हम लोग बलद के अंदर आ चुके हैं। ये है बहुत पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस, आप देख पा रहे हैं बहुत पुरानी। लुकिंग सो गॉर्जियस गाइस, मॉल ऑफ बलद। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली इससे भी निकल रहे हैं बिकॉज़, और यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया सबसे पुरानी हॉन्टेड बिल्डिंग, और ये हुई भी है गाइस बंद, देख सकते हैं आप लोग बंद। हम लोग उससे भी पुरानी जगह के अंदर घुस चुके हैं, देख सकते हैं। और एक कॉटेज बना हुआ, आई मीन एक झोंपड़ी बनी हुई है, कितनी खूबसूरत है। कि मैं अभी गाड़ी गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बलद, और अभी हम लोग हैं अशरफिया। मैं मुशरफिया बोल रही थी गाइस, हम लोग हैं अभी अशरफिया। आप लोग देख सकते हैं पापा गए हैं किसी काम से, यहाँ पे तो बहुत सुनसान है। तो मेरी मामा ने कहा चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, क्योंकि पापा काम से गए, इतनी देर हो गया पापा काम से आ ही नहीं रहे थे। और जब वो आएंगे हम लोग जाएंगे गाइस बलद। बलद एक ऐसी जगह है जो आपको जाके दिखाएंगे हम लोग। तो ये हम लोग की कार ठहरी हुई है, और इसमें बैठे हुए ये दो लोग देख सकते हैं आप लोग। ये लोग अंदर, पता नहीं गाइस ऑफलाइन रील्स देख रहे हैं। हम लोग खोलते हैं गाड़ी, गाड़ी भी लोग की हुए, गाड़ी खोलो, इनकी हरकत ही देख रहे हैं गाइस, देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग आ चुके हैं जी बलद, और सारे पथरीले रास्तों में हम लोगों ने ठहराई है पार्किंग, बिकॉज जहाँ पे ठहराते होते वो पार्किंग तो जी थी फुल। और अभी हम लोग चलते हैं। आज गाइस इतना बुरा मेरे साथ हो रहा है, आप लोग मट्टी चेक कर रहे हो, और मैं पहन के आई हुई हूँ अपने वाइट शूज। वहाँ पे है जी शॉप, एंड बलद के अंदर चलते हैं। नहीं, हम लोग बलद के अंदर आ चुके हैं। ये है बहुत पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस, आप देख पा रहे हैं बहुत पुरानी है। शुक्र है इसे अभी तक गाइस गवर्नमेंट ने तोड़ा नहीं है, इससे हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। तो आगे अंदर चलते हैं और कुछ शॉपिंग भी करते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक इतनी है गाइस, ये जो बलद है ये जद्दा की सबसे हिस्टोरिकल प्लेस है। यस, ये सबसे मतलब के हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे अंदरून लाहौर है गाइस पाकिस्तान में, ये यहाँ का समझे आप अंदरून सऊदी है। अभी अंदर चलते हैं हैयल बलद डिस्ट। अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी हाफ आगे गए हैं गाइस। हम पिछली बार इसी बलद में आए, सारे चीनी में नहीं आए थे, जिसकी वजह से दो तीन महीने से हम यहाँ नहीं आए। अब हम आए चीनी में नहीं, इंडोनेशिया भाई, इंडोनेशिया के लोग यहाँ पे आए हैं गाइस। जैसे इंडोनेशियन सब एक जैसे लगते हैं, पर सच है होते भी एक ही जैसे हैं गाइस। तो यहाँ पे अभी ज्यादा उमरा नहीं आया, बिकॉज उमरा हो चुका है क्लोज, और अभी आने लगा है हज। तो हज जाने से पहले हमने सोचा यहाँ का विजिट कर लेते हैं, और इंशाल्लाह गाइस हज जाने से पहले हम उमरा करने भी जाएंगे, उमरा का व्लॉग भी आएगा इंशाल्लाह। यस गाइस, पुराने ये फ्लैट हैं, आप लोग देख सकते हैं वो सामने वाला, ये गाइस ये सामने वाले देखिए, इतने हॉन्टेड, मतलब हॉन्टेड प्लस हॉरर लग रहे हैं। यहाँ पर रहना चाहोगे? 15 से 20 साल पुरानी बिल्डिंग्स मुझे लग रही हैं, और उससे भी ज्यादा। अगर आपको हॉरर मूवी शूट करने तो मैं आपको लोकेशन देती, देख सकते हैं इतने पुराने। यहाँ से देखते हैं, मुझे तो आ रहा है गाइस खौफ, काफ़ी काफ़ी डर लग रहा है। और अंदर है अभी गोल्ड मार्केट, और हम लोग जाने लगे हैं गोल्ड मार्केट के अंदर। हम लोग आ चुके हैं ये पर्स वाली शॉप पे, पापा उससे बात कर रहे हैं गाइस अरबिक में, और मुझे भी सब समझ आ रहा है बिकॉज मुझे भी अरबिक आती है। यहाँ पे सारे सूटकेस पर्स वगैरह देख रहे हैं, और गाइस रेट सुनने के बाद हमें निकलना पड़ रहा है यहाँ से गाइस, ये होते हैं पाकिस्तानी। तो चलते हैं किसी और शॉप में। हम लोग अनफॉर्चुनेटली इससे भी निकल रहे हैं बिकॉज़, और अभी स्टार्ट होने लगी है गाइस फुल रवायती, इनकी ट्रेडिशनल प्लेस आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सारी उस तरह की छोटी छोटी मोटी मोटी गाइस शॉप्स बनी हुई, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया सबसे पुरानी हॉन्टेड बिल्डिंग, और ये हुई भी है गाइस बंद, देख सकते हैं आप लोग बंद हुई। अभी ये रिकंस्ट्रक्ट होगी, लेकिन अभी तो हुई हुई है जी बंद। ये सही हो रहा है गाइस, पुरानी बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जद्दा। ओह सही है, देख सकते हैं जद्दा हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। और अभी हम लोग फाइनली बलद के अंदर एंटर होने लगे हैं। पाकिस्तान से भी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे गाइस, यस पुरानी बिल्डिंग है, क्या बोलूं गाइस 50 साल पहले की। ओ भाई इतना भी ना कर गाइस, ये 50 साल पुरानी भी बिल्डिंग नहीं होगी। वाह, और अभी हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं बलद के अंदर। यहाँ पे सारी गोल्ड मार्केट है, यहाँ पे अभी सारी गोल्ड। ओह हम लोगों ने गाइस बैग देखा था, ये फ्रंट में तो अच्छी है काफी बिल्डिंग, क्या ख्याल है? मतलब इतनी हॉरर नहीं लग रही,
फिट है। कॉटेज बना हुआ, आई मीन एक झोंपड़ी बनी हुई है, कितनी खूबसूरत है। और अभी पूरे बलद में से अभी हम लोग जाने लगे हैं थोड़ी और जगह पे। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है गाइस, पार्किंग, जस्ट आ पार्किंग, यहाँ की पार्किंग चेक करें आप, जस्ट इतनी बड़ी बिल्डिंग देख सकते हैं आप लोग। फुल हॉन्टेड हॉन्टेड, आई मीन हॉरर मूवीज, मुझे लगता है ये लोग बलद में आके लिटरली शूट करते हैं। ओ यहाँ पे कैफेटेरिया की गाइस खाने वाली जगह भी बनी हुई है। और अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। पे मैं आई हूँ तो गाइस मैं लंबी बिल्डिंग्स ही देखती गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे भी कोई रहता होगा और नीचे से देखता होगा तो गाइस क्या मंजर होता होगा, मतलब इतना डीप नीचे लोग देख सकते हैं। और आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं बिकॉज अभी हम लोगों ने पूरा बलद विजिट नहीं किया, मेरे भाई तो शदीद थक चुका है बिकॉज। और अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, हम लोग उससे भी पुरानी जगह के अंदर घुस चुके हैं देख सकते हैं। और वो थे बिल्डिंग्स देखें, अभी आपको गाइस दिखाती हूँ, इतनी ऊंची और वीरान बिकॉज ये सऊदी हुकूमत की वजह से, मतलब सऊदी हुकूमत इन सारी बिल्डिंग्स का गाइस तख्ता उड़ा रही है। अभी हम तो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।